नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। HDFC बैंक अपने नंबर्स पेश कर चुकी है। कैसे रहे हैं नंबर्स, क्या अनुमान था बाजार का, उसके सामने कैसी परफॉर्मेंस है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसा दिख रहा है, एंड क्योंकि बैंकिंग स्टॉक है तो और भी बहुत कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एडवांस ग्रोथ कितनी है, आपकी बैंक में पैसा कितना आया, डिपॉजिट्स कितने बढ़े हैं, कासा रेशो आपका कहाँ पहुंचा है, ये सारी चीज़ें होती हैं एडिशनली बैंकिंग स्टॉक्स में चेक करने के लिए, जिसके बारे में अगर आप लोग कहोगे तो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। बट यहाँ पे मोटा मोटी जो रिजल्ट कंपनी ने जस्ट अभी अभी पेश करे हैं वो आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे के सारे नंबर्स आप सभी के साथ सिंपल और सरल भाषा में डिस्कस करना। HDFC बैंक की बात करूं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हल्की सी ग्रोथ दिखाता हुआ दिखा है। इनफैक्ट साल दर साल देखोगे तो 26-27% हो जाएगा, बट उसको कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। बट फिर भी देख लेते हैं, 16,511 करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट आता हुआ दिखाया और NII आया है, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम आया है 29,007 करोड़ रुपए। तो ये अच्छे दिख रहे हैं नंबर। आपको याद होगा कंपनी ने जब अपनी क्वार्टरली अपडेट पेश करी थी तो डिपॉजिट्स में अच्छी ग्रोथ आने के चलते शेयर का प्राइस 2.5-3% भागा था। तो सबको पता था नंबर कंपनी अच्छे ही पेश करेगी। अब अनुमान के हिसाब से कैसे आए हैं उसको चेक कर लेते हैं। HDFC बैंक, मैं यहाँ पे आपके सामने दो रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, एक मनी कंट्रोल पे जो आई है और दूसरा इकोनॉमिक टाइम्स पे जो आई है, वो दोनों ही आपके साथ पढ़ दूंगा सो दैट और क्लियरिटी मिले। HDFC बैंक ऑन अप्रैल 20 रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹16,511 करोड़ फॉर द जनवरी मार्च क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर FY24, मेकिंग 0.84% जंप कंपेयर टू 16,373 करोड़ क्लॉक्ड इन द प्रीवियस क्वार्टर। तो प्रीवियस क्वार्टर के सामने हल्की सी जंप आई है। द नेट प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट इन लाइन, मार्केट एस्टिमेट था 16,576 करोड़ का, मनी कंट्रोल ऐसा कह रहा है, जिसके सामने 16,511 करोड़ का आया, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, हल्का सा मिस है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बैंकिंग फाइनेंशियल रिजल्ट आर नॉट कंपेरेबल ड्यू टू द मर्जर विद द पेरेंट एंटिटी HDFC लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करना ठीक नहीं है क्योंकि इनकी पेरेंट कंपनी का इनके साथ मर्जर हुआ था। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 29,007 करोड़ पे आई है, जो कि 28,470 करोड़ से बढ़कर आई है। बाजार का अनुमान था 29,172 करोड़ पे NII कंपनी पोस्ट करेगी, तो अनुमान से हल्का सा ये भी कम है। GNPA NNPA बैंकिंग स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। GNPA की बात करूं यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो 1.26% से घटकर 1.24% पे आए हैं, तो ये अच्छी बात है। और NNPA यानी नेट इंटरेस्ट नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 0.31 के सामने 0.33% है, ये हल्का सा बढ़ गया है, बट ओवरऑल ठीक ही मानूंगा मैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। इस बीच में कंपनी ने अपने शेयर धारकों को ₹19.5 प्रति शेयर डिविडेंड भी दिया है। तो सबसे पहले तो सारे के सारे शेयर धारकों को मुबारक हो भैया, आपकी कंपनी ने डिविडेंड दे दिया और अच्छा डिविडेंड है, ₹19.5 प्रति शेयर। अगर आप देखें तो ये मोर देन 1% का डिविडेंड हो गया एक सिंगल क्वार्टर में, अगर स्टॉक के प्राइस से कंपेयर करूं तो। अब आते हैं आगे, क्या लिखा है कंपनी ने इकोनॉमिक टाइम्स पे। तो इकोनॉमिक टाइम्स पे केवल डिविडेंड की अपडेट है, जिसके लिए यहाँ पे रिकॉर्ड डेट वगैरह मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, वो मेरे को देखने के लिए जाना होगा डायरेक्टली कंपनी के BSE की अपडेट पे। बट कोई नहीं, अगर अनुमान दिया हो कुछ यहाँ पे तो वो देख लेते हैं। कंपनी का प्रॉफिट 16,512 करोड़ आया है, NII 29,007 करोड़ पे आया है, बाकी इन्होंने कुछ दिया नहीं है अभी। तो यहीं पे इस वीडियो को मेरे को लगता है हमें एंड करना पड़ेगा। अब एक बार स्टॉक के प्राइस को और चेक कर लेते हैं कि कैसा ट्रेड कर रहा है। बाकी HDFC बैंक के स्टॉक पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, एक ही बात बोली है, 1450-1450 पे खोने के लिए क्या है आपके पास। अगर मैं इसमें इंटरेस्टिंग देखूँ ना तो 2 साल का चार्ट ओपन करूंगा मैं, तो बीते कुछ महीनों में जितने वॉल्यूम्स आए हैं स्टॉक में उतने वॉल्यूम आते ही नहीं है। यानी इस भाव पे हर एक व्यक्ति इस स्टॉक में यही कह रहा है, खोने के लिए कुछ नहीं है, खरीदने के लिए बहुत कुछ है। कब चलेगा किसी को नहीं पता, लेकिन चलेगा ये सबको पता है। तो मिले जुले रुझान नहीं है, रुझान है वन साइडेड, लेकिन कब ये किसी को नहीं पता। तो जो लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ वाले स्टॉक्स हैं, वेल्थ क्रिएटर वाले इन्वेस्टर्स हैं, वो ले लेके अपनी पोर्टफोलियो में रख रहे हैं इसे। उन्हें नहीं पता 6 महीने में चलेगा या 6 साल में चलेगा, लेकिन उन्हें ये पता है ये चलेगा, बड़ा पैसा बना के देगा, क्योंकि 17 के PE पे सबसे बड़ी बैंक मिल रही है, 25 का PE एवरेज PE है इस स्टॉक का,
प्रॉफिट 60,000 करोड़ से ज्यादा का एक साल में बना रही है। तो कोई 20% का अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है हर साल, तो कोई दिक्कत है नहीं। बट शेयर का प्राइस चला नहीं है, तो वो मेरे को लगता है कभी ना कभी तो चलेगा। तो इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप बंद करके कोई भी बोल देगा आपको लेके बैठ जाओ, उस शेयर को पैसा बनेगा, लेकिन कब बनेगा वो कोई नहीं बता पाएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।